नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो CPLO से जुड़ी हर खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी काम मिलना CPLO को शुरू हो चुका है, और कल आपने एक वीडियो बनाई थी कि आपने DOB टैगिंग का काम कैसे करना है, तो उसमें मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया था। तो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। वैसे तो वीडियो आपको नहीं मिलेगी, उसका लिंक आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। क्योंकि जो अपनी ट्रेनिंग वीडियोज़ रहेंगी ये सारी लिंक से ही चलेंगी, मान लो ओनली CPLO ही उनको देख पाएंगे। तो आगे बात करें आज की वीडियो की, आज की वीडियो में आप बात करेंगे भाई, जो आपको काम मिला हुआ है एक मैरिड स्टेटस का ना, कि आपको उसमें जो मैटियल स्टेटस है वो अपडेट करना है कि अनमैरिड है, मैरिड है या डिवोर्स है, कैसा केस है, ठीक है। तो भाई उसमें देखो, मोस्टली आप अगर देखोगे तो उसमें लेटेस्ट जो है, मान लो जैसे 2023 का किसी का बर्थ है, किसी का 22 का है, 21 का है, 20 का है, तो ऐसे उसमें केस हैं भाई। अब आप उसमें कहोगे कि ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक दो दो साल के, तो ये तो अनमैरिड ही होंगे। तो भाई ऐसे तुक्के से नहीं, उसमें किसी ने भी लगाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जो भी वेरिफिकेशन होती है उसका प्रोसेस ये होता है कि आपने कॉल लगानी है उनको, ठीक है। कॉल लगा के उसके बाद आपने क्लैरिफाई करना है कि ये बच्चा है। देखो उनको आपने सीधा नहीं बोलना कि ये मैरिड है या अनमैरिड है। ये बात कहोगे तो वो एक जैसे मूवी में हुआ था सीन है ना, कि वो पूछता है कि आपकी शादी होगी ना, होगी या नहीं, वो कहता है कि नहीं हुई, फिर वो पूछता है आपके बच्चे हैं नहीं, ये वो बात हो जाती है, वो बात नहीं आपने करनी। तो आपने उनसे पूछना है देखो भाई, कि जैसे उसमें लिखा होगा किसी का नाम लिखा होगा, मान लो उसमें लिखा हुआ है पूनम रानी, तो भाई आप पूछोगे कि ये पूनम रानी है, ये बच्चा है आपके, वो कहेंगे हाँ जी बच्चा है। तो आप पूछोगे उसकी एज कितनी है, ठीक है। वैसे तो आपके पास एज लिखी होगी, लेकिन आप पूछोगे उसकी एज कितनी है, पूछ लोगे डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो बता देगा कि इसकी एज तो भाई 3 साल है और डेट ऑफ बर्थ इसकी 2021 बता देगा, 3/5/2021 है। तो उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ये बच्चा ही है, ये छोटा बच्चा ही है, तो मतलब अनमैरिड है, पूछने की जरूरत तो नहीं है। और मान लो कोई उसमें ऐसा केस आ जाता है, मान लो वैसे तो वो 0 से 18 तक क्या ही है उसमें लिखा हुआ है, वो जो आपके सारे केस है वो 0 से 18 तक के ही है। मान लो किसी की एज उसमें 15, 16, 17, 18 है उसमें, तो फिर उनका आप पूछ सकते हो कि ये मैरिड है या अनमैरिड है। क्योंकि गांव में कई देखो बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कोई केस ऐसे हो जो मान लो 18 से पहले ही मैरिड हो, तो उनका आप कन्फर्म कर सकते हो। जो देखो 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, कॉल जरूर करनी है भाई, सभी भाइयों ने कॉल करके उनसे पूछना है कि हाँ ये बच्चा है, क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ सही है। क्योंकि उसमें ऑप्शन भी आता है, जब आप आके फिल करोगे ना तो उसमें ऑप्शन आएगा कि हाँ इसकी डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है, तो वो भी आप वहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हो। मान लो अगर डेट ऑफ बर्थ सही है, आपको पता चल गया कि हाँ ये बच्चा ही है 3, 4, 5, 6, 7 साल का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चा है तो अनमैरिड है, आप वहाँ पे अनमैरिड शो कर दोगे। बस इतना का काम है ये, इसमें ज़्यादा काम कुछ है नहीं था। मेन जो अपना उस पे काम है DOB टैगिंग वाला ही है। वो देखो अभी बहुत सारे भाइयों को मुश्किल आ रही है, क्योंकि वोटर कार्ड बहुत कम जनों के बने हुए हैं, किसी ने बनवाया भी रखा है तो नया है, 2017 के बाद वाला लगा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या मैंने आपको सोल्यूशन बताया था कि आप उसकी नकल निकलवा सकते हो भाई। बाकी आप कोशिश करो कि वोटर कार्ड मिल जाए तो सोल्यूशन उसका हो सकता है। बाकी ध्यान से करना जो भी काम करना, आपके जेड क्रीम है, जो आपके ऊपर जेड क्रीम है, जो मैनेजर है, उनसे बात करो, वो सारा आपको क्लियर कर देंगे कि कहाँ पे क्या करना है। आपने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, जो भी काम करना है आपने बिल्कुल जेन्युइन और एग्जैक्ट बिल्कुल सही करना है भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ज़्यादा काम उसमें है नहीं कुछ, जो आपका मैटियल स्टेटस वाला है उसमें बस इतना ही काम करना है। आप कॉल करके पूछोगे, आपको आगे से जो जवाब आएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका डाटा वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, कल किस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।